students, welcome back to the series of UGC NET in Commerce, and I'm going to teach you about the marketing. And today I'm going to tell you about the product. जैसे कि हम जानते हैं कि कस्टमर को जो हम कहते हैं ना मेन कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, वो किसको टारगेट करता है? कस्टमर को. और कस्टमर को हम सेटिस्फेक्शन जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो किसके थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं? थ्रू प्रोडक्ट. तो हमारे जो नेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इसी के डिफरेंट लेवल से रिलेटेड पूछे जाते हैं. तो हम बात करते हैं आज लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में. तो इनके बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है. तो अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर, आपको इवन टर्म दी जा सकती है और आपको ये पूरी डेफिनेशन दी जा सकती है और आपसे पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन किन्होंने दी थी. ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. तो डेफिनेशन इज प्रोडक्ट इज एनीथिंग. ठीक है, जब हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट इज एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी. जैसे कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी मार्केटिंग से रिलेटेड, कि हम मार्केट में क्या क्या बेच सकते हैं, क्या क्या मार्केट कर सकते हैं, वो सारी चीजें. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, इन्फॉर्मेशन पर्सन की हो सकती है, एप्स हो सकती हैं. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? प्रोडक्ट कहलाती हैं. तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड. ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो सकता है? कुछ भी. अगर मेरे पास आइडिया है, ठीक है, वो आइडिया भी क्या कर सकती हूँ मैं? किसी को बेच सकती हूँ. ठीक है, जो क्या कर सकते हैं? हम ऑफर्ड कर सकते हैं टू समवन टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट. ठीक है, सो प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ कस्टमर टू सेटिस्फाई हिज वांट और हिज डिजायर. सो प्रोडक्ट को इसलिए ये कहा जाता है, अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज. अगर कोई प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट इज अ, कि अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सके, तभी हम वर्ड यूज करते हैं यूटिलिटी. सो प्रोडक्ट इज बंडल ऑफ यूटिलिटी. अब बात करते हैं इसके डिफरेंट लेवल्स की. तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कॉमर्स से रिलेटेड, कि फिलिप कॉटलर ने कितने लेवल दिए हैं प्रोडक्ट के. तो आपका आंसर होगा, जैसे आप इसमें देख रहे हो इमेज में, 1, 2, 3, 4, 5. तो अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर देयर आर 5 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट. अगर आपसे कोई नॉर्मल पूछता है कि ये व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, तब आंसर होगा 3. अदरवाइज अगर फिलिप कॉटलर से पूछा जाता है तब आप आंसर दोगे कि 5 होते हैं. अब जानते हैं कि 5 लेवल होते कौन से हैं. जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, सबसे पहले वाला क्या है? कोर बेनिफिट. कोर मतलब मेन प्रोडक्ट जो है वो हम क्यों परचेज कर रहे हैं. तो एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसी को इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेवल 1 है बताओ वो कौन सा है. तो आपका आंसर होगा कोर बेनिफिट. ठीक है, सो देखो सबसे पहले जब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई होटल का रूम बुक किया. ठीक है, तो सबसे मेन जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, जो मेरा मेन एम होगा, वो क्या होगा कि मुझे यहाँ क्या करना है? रेस्ट करना है. ठीक है ना, रेस्ट करना है. और मुझे क्या करना है? स्लीप, मतलब अच्छे से नींद आ जाए और मैं अच्छे से रेस्ट करूं, यही मेन पर्पस है. तो ये जो है ये क्या हुआ? कोर बेनिफिट, जो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मैंने उस प्रोडक्ट को इस वजह से मैंने परचेज किया है. तो जो बेसिक चीज है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ? रेस्ट और स्लीप है. ठीक है ना, तो रेस्ट और स्लीप कौन से लेवल के अंदर आएंगे? लेवल 1, जिसको हम कहते हैं कोर बेनिफिट. सेकेंड पे चलते हैं. सेकेंड लेवल इज रिलेटेड टू द जेनरिक प्रोडक्ट, जिसको जिसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है बेसिक प्रोडक्ट. ठीक है, अब बात करते हैं कैसे. देखो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया कि भाई मैंने कोई होटल का रूम बुक किया, वो इसलिए किया क्योंकि मुझे क्या करना था? रेस्ट करना था और मुझे अच्छी नींद लेनी थी. अब अच्छी नींद और रेस्ट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? बेड चाहिए. ठीक है, टॉवल, जो उस बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आइटम्स होती हैं, कि सोने के लिए मुझे बेड चाहिए. ठीक है ना,
क्यों? क्योंकि मैं वहां रेस्ट करने गई हूँ, स्ट्रेस नहीं लेने गई हूँ, तो नीट टॉवल, बाथरूम, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर आती है? जेनरिक प्रोडक्ट और लेवल टू। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ जेनरिक प्रोडक्ट का लेवल कौन सा है, तो आंसर विल बी लेवल टू। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, लेवल थ्री। अब हमने बात की कि ठीक है मैंने होटल का रूम बुक किया था, मैंने रेस्ट के लिए और स्लीप के लिए, तो उसके लिए बेसिक क्या चीज होना चाहिए? बेसिक चीज होनी चाहिए कि वहां बेड होना चाहिए, टॉवल्स होने चाहिए, मिरर होना चाहिए, सब कुछ। अब मैं जो लेवल थर्ड के अंदर प्रोडक्ट की बात करूंगी, वो बात करूंगी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की। मैं एक्सपेक्ट क्या करती हूँ? मैं एक्सपेक्ट ये करती हूँ कि जो बेडशीट है वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, रूम एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, टॉवल्स एकदम नए होने चाहिए, वहां जो बाथरूम है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, अगर वहां लाइट्स हैं तो लाइट्स एकदम प्रॉपर वर्क करती होनी चाहिए, अगर वहां टीवी है तो टीवी प्रॉपर वर्क करता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एक्सपेक्ट किया। ठीक है, तो ये चीजें किसके अंदर आती है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सो फोर्थ लेवल इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है? वो ऐसा प्रोडक्ट कि आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग अपने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? तो आपका जो क्वेश्चन हो सकता है वो यही आएगा कि ऐसा कौन सा लेवल है, ऐसे कौन से लेवल का प्रोडक्ट है जिसके अंदर डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपने कॉम्पिटिटर से अडॉप्ट की जाती है। ठीक है, वैसे ही बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, जो आपका कॉम्पिटिटर से आप अलग प्रोवाइड कर रहे हो। वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हो? आपने होटल तो उन्होंने बुक किया, होटल के प्राइस में आप उनको क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट फ्री में दे रहे हो, जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। नाउ द लास्ट वन इज रिलेटेड टू द लेवल फाइव, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल, देखो वर्ड क्या होता है, पोटेंशियल वर्ड इज रिलेटेड टू द फ्यूचर, कि जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना, उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आप फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते हो, ताकि आप मार्केट में सर्वाइव तो करो ही करो, साथ ही कॉम्पिटिशन फेस करो, साथ में आपको प्रॉफिट हो। तो आप यहाँ इमेज में देख रहे हो कि जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो होटल के रूम होते थे वे एकदम क्या होते थे, सिंपल तरीके से होते थे, डे बाय डे उसका इंटीरियर चेंज होता गया। अब जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो तो अंडर वाटर, ठीक है ना, अंडर वाटर हमने ये रूम प्रोवाइड किया है, तो ये क्या हुआ? पोटेंशियल हुआ। ठीक है ना, तो इसी तरीके के फ्यूचर में आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो, तो वो लेवल फाइव की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल होटेल्स की बात की, आप लोग देखते हो लोग रेस्ट के लिए जब जाते हैं, अगेन हमने कहा बेसिक कोर बेनिफिट हमारा रेस्ट है। ठीक है, मगर हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं उनको? एकदम जंगल में उनको ट्री हाउस प्रोवाइड कर दिया, ये फ्यूचर का बेनिफिट है। ठीक है, हमने उनको एकदम शांत जगह पे दे दिया, जैसे कि आपने देखा होगा कि ठीक है पहले पेडिक्योर मैनिक्योर जिस तरीके से था केमिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू होता था, फिर वो नेचुरल प्रोडक्ट्स लेके आए, अब आप देखते हो फिशिंग के थ्रू भी क्या होता है, पेडिक्योर होता है। तो आपके प्रोडक्ट में क्या ऐसी कैपेबिलिटीज है कि आप उसको फ्यूचर में चेंज कर सको, फ्यूचर में न्यू इनोवेटिव फीचर ला सको, उसी को कहा जाता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। सबसे बेस्ट एग्जांपल स्मार्टफोन है। आप डे बाय डे देखते हो कि हमारे स्मार्टफोन में टेक्नोलॉजी की वजह से न्यू एडवांसमेंट, न्यू चेंजेस आते हैं। ठीक है, पहले एक कैमरा था, फिर दो कैमरे आए, फिर तीन कैमरे आने लगे, पहले उसकी मेमोरी कम थी अब बढ़ती गई, तो इन्हीं को बोला जाता है हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। तो सो थैंक यू सो मच, और प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कि आप लोगों को ऐसे ही कॉमर्स से रिलेटेड और ज्यादा वीडियोस रेगुलर मिलती जाए और आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आल्सो शेयर विद द अदर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट जीआरएफ इन कॉमर्स। थैंक यू सो मच।